तो दोस्तों, कार्यालय नगर पालिका निगम भोपाल में जो सब इंजीनियर की भर्ती निकाली गई थी उसके बारे में बता देता हूँ कि उसके अंतर्गत टाइम कीपर यानी समयपाल के जो नियुक्ति पत्र हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। ठीक है, नियुक्ति पत्र में क्या क्या शर्तें हैं उनको बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है 1900 ग्रेड पे के हिसाब से आपकी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, 70-80-90% का जो रूल है वो लगेगा। 15 दिन के अंदर जो है इनको ज्वाइनिंग लेनी है। इसके अलावा जो दस्तावेज हैं वो इनको सबमिट करना पड़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से इसको लिखा गया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 1250 जयप्रकाश हॉस्पिटल जो है वहीं से इनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र सबमिट करना है। इसके अलावा यदि विवाहित हैं तो शपथ पत्र देना है। शासकीय अर्धशासकीय सेवा में हैं तो उनको त्याग पत्र देना है। ठीक है, वहीं 6वीं कंडीशन जो है हमारे 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के बारे में है कि आपको 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि भी वो रहेगी। ठीक है, 7वीं कंडीशन हो रही है, 6वीं में यही लिखा हुआ है यदि कोई भी जानकारी प्रमाण पत्र गलत है तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। 8वें में लिखा हुआ है कि ये सभी जो नियुक्तियाँ दी जा रही हैं वो कोर्ट के आदेश के अंतर्गत रहेंगी। और इसलिए क्या है, भोपाल नगर निगम ने एक सेफ्टी के लिए इन सभी जो कैंडिडेट हैं उनसे एक शपथ पत्र भरवा लिया है। ठीक है, शपथ पत्र सबमिट करवा लिया है, तो ये अच्छी बात है। ज्वाइनिंग तो एटलीस्ट दे रहे हैं ये लोग, और बाद में जो भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो ऐसा सभी जो हैं विभाग कर सकते हैं, एटलीस्ट ज्वाइनिंग तो दे सकते हैं, बाद में जो चलता रहेगा वो चलेगा ही। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आदेश था। ठीक है, ये जिन्होंने भी प्रदान किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियुक्ति प्रदान की जाने लगी है। तो आशा है कि भोपाल नगर निगम में जो सब इंजीनियर हैं उनको भी जल्द ही नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।